प्यारे बच्चों कैसे हो। बच्चों आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्य पत्रक 16 करेंगे। बच्चों 15 कार्य पत्रक हमने अब तक कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं किया है तो आप हमारा वीडियो देखकर उन कार्य पत्रकों को पूरा कर लीजिएगा। बच्चों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे बच्चों जोड़ घटाव, ठीक है। 4 अंकों से बड़ी संख्या के जोड़ घटाव करेंगे। 3 अंकों के भी है और 4 अंकों के भी है, ठीक है। तो आज हम करेंगे जोड़ घटाव के सवाल। बच्चों हमने जब आपकी बुक की प्रश्नावली करवाई थी तब भी आपको ये सवाल करवाए थे। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, 2 पॉइंट दूसरी प्रश्नावली थी बच्चों, उसमें हमने देवनागरी के सवाल भी करवाए थे और ये सवाल भी करवाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो बच्चों पहला सवाल यहाँ कर रखा है, ठीक है, तो हम दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। 8 और 2 कितने होते हैं, 10। 10 की आएगी बच्चों यहाँ पर 0, क्योंकि जो दो संख्याएं होती है तो पीछे वाली हम नीचे लिखते हैं और जो आगे वाली होती है यानी इकाई तो हम नीचे लिखते हैं, और दहाई जो दूसरी संख्या होती है यानी दहाई के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जब हम इनको गिनेंगे, दूसरी संख्याओं को गिनेंगे, इनका जोड़ होगा, उसमें जो हमारी हासिल आई है ऊपर जो लाल रंग से लिखी हुई है उसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 और 3 10 और एक ऊपर का भी गिनेंगे बच्चों के 11। अब 11 में फिर दो संख्याएं आ गई, तो एक पीछे वाली नीचे लिखेंगे, आगे वाली ऊपर लिखेंगे। 8 और 4 12, 12 और 1 होता है बच्चों 13, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ करने हैं। बाकी बच्चों आपको आते हैं क्योंकि ये तो थर्ड क्लास में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, दूसरा सवाल करवा देती हूँ बच्चों, फिर एक आपको होमवर्क मिलेगा। 8 और 5 होते हैं बच्चों 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ ऊपर लिखेंगे। 7 और 6 होते हैं बच्चों कितने होते हैं, आप गिनो, मैं भी गिन रही हूँ, आप भी गिनो, 13, 13 और 1 ऊपर हासिल का कितने हो गए, 14, 14 का 4 हम नीचे लिखेंगे, 1 हासिल ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हमारा हो गया जोड़। ये बच्चों एक सवाल है, चौथा आपको होमवर्क मिल रहा है, आप भी करके देखिएगा, ठीक है। अब बच्चों घटाव, जोड़ तो हमने सीख लिए, अब सीखेंगे घटाव। तो 5वां सवाल यहाँ कर रखा है बच्चों, तो छठा हम करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, देखो ऊपर तो है, घटाव में बच्चों क्या होता है, वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है। अब बच्चों ऊपर तो है 2 और नीचे है 9, तो 2 में से 9 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो कोई बात नहीं, हम पड़ोस के घर जाते हैं, यानी जहां पर 5 लिखा हुआ है उसके पास जाते हैं और उससे 1 ले आते हैं, ठीक है। अब 1 2 में 1 को जोड़ना नहीं है, 2 में 1 के 7 लिखना है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब गोले में लिख लेते हैं 12, आसानी रहेगी। अब नीचे का जो 2 है उसको काट देंगे, यानी नीचे का 2 है अब इसका यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। और जो 5 था वो रह जाएगा 4, 4 को भी गोले में लिख लेते हैं और फिर आगे बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो अब हो गया बच्चों हमारा ऊपर 12। अब 12 में से तो 9 कट जाता है ना, तो यहां पर लिखेंगे 12 में से 9 को कट करेंगे तो रहेगा 3, ठीक है। अब ऊपर है बच्चों 4, तो हमें 5 में से नहीं घटाना है, ऊपर जो गोले में हमने 4 लिखा है ना उसमें से घटाना है। 4 में से 1 को कट करेंगे तो रह जाएगा 3। अब बच्चों हमने उधर पढ़ो 7 से कुछ लिया ही नहीं था, तो 7 का 7 ही रहेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। हमें जो मदद मांगनी है, जब संख्या छोटी हो तभी पड़ोस के घर जाना है, नहीं तो नहीं मांगना कुछ भी, ठीक है ना। अब बच्चों दूसरा सवाल भी करवा देती हूँ। ये 4 है और ये भी 4, तो 4 में से 4 को कट करेंगे तो रहेगा 0 यानी शून्य, ठीक है। अब बच्चों 8, 8 में से 9 नहीं कट होता, तो फिर वही पैटर्न अपनाएंगे, वही तरीका लेंगे, पड़ोस के घर जाएंगे आगे वाले के घर में यानी 5, ठीक है। तो ये तो रह जाएगा 4 और वो हो जाएगा बच्चों 18, ठीक है।
आठ को काट देंगे, ऊपर गोले में 18 लिख लेंगे। अब हमें 18 में से 9 घटानी है, ठीक है। 18 में से 9 घटाएंगे तो रहेंगे 9। अब इधर रह गया था बच्चों 4, क्योंकि 5 ने अपना 1 8 को दे दिया था, ठीक है। तो अब बचा बच्चों 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो रहेगा 2। तो ये सवाल है बच्चों आपका एक घटाव का होमवर्क, ठीक है। अब बच्चों 4 अंकों की संख्याओं का करेंगे हम जोड़ घटाव। तो इसमें बच्चों मिक्स है, कुछ जोड़ है और कुछ घटाव है। तो पहला 13वां सवाल करें बच्चों, 9वां सवाल करेंगे, ठीक है। बच्चों अब सवाल करेंगे हम 9वां, इसमें जोड़ का है और ये 4 अंकों की संख्याओं का जोड़ है। तो तरीका तो बच्चों वही रहेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। 9 और 5 होते हैं बच्चों 14, 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, एक हासिल ऊपर लगाएंगे, ठीक है। 8 और 6 होते हैं बच्चों 14 और एक हासिल भी गिननी है हमें, हासिल वाला एक लगाएंगे साथ में तो हो जाएगा 15, 15 का फिर 5 हम नीचे लिखेंगे और एक ऊपर हासिल में लगाएंगे, ठीक है। 7 और 3 10 और एक हासिल वाला भी जोड़ेंगे तो हो गए 11, 11 का फिर एक नीचे और एक हासिल पर। अब हम इनको सबको जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और एक 7, ठीक है बच्चों। अब ये घटाव है बच्चों, एक सवाल घटाव का सिखा रही हूँ। तो बच्चों जैसा ऊपर बताया था ना कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटाया जा सकता। अब ऊपर 0 है, 0 है और नीचे 7 है, तो 0 में से 7 को कट नहीं कर सकते। तो क्या करेगा, 0 पड़ोसी के घर जाएगा यानी दहाई के पास जाएगा, ठीक है। उससे एक ले लेगा, इधर तो रह जाएगा 1, उधर हो जाएगा 10। हमें जो पड़ोस से मदद लानी है ना उसको साथ में जोड़ना नहीं है। आप सोचोगे कि 0 में 1 को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं, हमें इनको दोनों को एक साथ लिखना है, 0 के साथ 1 लिखना है यानी 10। अब 10 में से 7 घटाएंगे बच्चों आ जाएगा 3। अब जो नीचे का 2 काट दिया था क्योंकि 2 ने 1 था जो वो एक पड़ोसी को दे दिया, 0 को दे दिया था, उसके पास 1 ही रह गया। अब 1 में से घटाएंगे बच्चों, 1 में से 8 नहीं घटता तो फिर 1 क्या करेगा, फिर पड़ोसी के घर जाएगा, यहां से ले आएगा 1, वो तो हो जाएगा 11 और ये रह जाएगा 3, ठीक है। इधर हो जाएगा 11। अब हमें 11 में से घटाना है 8, कितना रह जाएगा बताइए, 3 रह जाएगा, ठीक है। अब 4 में, 4 ने भी 1 दे दिया था 1 को तो रह गया था 3। अब 3 में से घटाएंगे 1, ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे तो रह जाएगा 2। अब यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 2 को कट करेंगे तो रह जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये 2 सवाल है, एक जोड़ का और एक घटाव का, ये होमवर्क है, आपको भी सीखना चाहिए, ठीक है। अगर सारे मैम ही कर देगी तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आप अच्छे बच्चे हो, आपको भी सीखना है। अब मैं बच्चों 13वां सवाल सिखा देती हूँ, ठीक है। 8, अब ये जोड़ का सवाल है बच्चों। 8 और 3 होते हैं बच्चों 11, 11 का 1 हम नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर हासिल में लगाएंगे, 8 और 9, क्योंकि 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा और हासिल वाला भी जोड़ लिया तो हो गया 9। 4 और 2 हो गए बच्चों 6, 7 और 3 10, ठीक है। तो ये बच्चों होमवर्क, ठीक है। अब 15वां सवाल करवाऊंगी। 9 घटाव का है बच्चों, 9 में से 0 को घटाएंगे तो रहेगा 9। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो रहेगा 2। अब बच्चों फिर दिक्कत आ गई है, 0 में से 9 नहीं घटता तो 0 क्या करेगा, 8 के पास जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। इधर तो 7 रह जाएगा क्योंकि 8 ने 1 अपना जो 0 को दे दिया वो तो बन गया 10। अब 10 में से 9 को घटाएंगे रहेगा 1, ऊपर रह गया था 7, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5। तो बच्चों 16वां सवाल भी आपको होमवर्क में मिल रहा है। अब बच्चों 17वां सवाल कराऊंगी और 18वां भी करवाऊंगी, ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे, 0 में से 0 को घटाएंगे तो रहेगा 0। अब 0 में से 9 नहीं घटता, 0 जाएगा 7 के पास, पड़ोसी के पास, वहां से लाएगा 1, इधर रह जाएगा 6, इधर हो जाएगा 10। अब 10 में से 9 को घटाएंगे तो रहेगा 1, ऊपर रह गया था 6, 6 में से 6 को घटाएंगे 0 और इधर रह गया बच्चों 8, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, क्योंकि 8 के पास कोई मदद मांगने नहीं गया था तो 8 8 ही रहेगा। अब बच्चों 18वां सवाल बता देती हूँ कि इसमें 0 ज्यादा है, ठीक है।
अब बच्चों जीरो में से चार नहीं जाता, अब जीरो जा रहा है दूसरे जीरो के पास, दूसरे जीरो के पास भी कुछ नहीं है, अब दूसरे जीरो जाता है तीसरे जीरो के पास, अब तीसरे जीरो के पास भी कुछ नहीं है, अब जो तीसरा जीरो था वो जाएगा सात के पास, ठीक है, अब लाएगा वो सात से मदद, अब इधर तो रह जाएगा छ, बाकी जगह पे बच्चों नौ आएगा, यहाँ पर नौ और यहाँ पर भी नौ, जो लास्ट वाला पहला जो जीरो था ना वो हो जाएगा दस। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक साथ जीरो आ जाती है ना तो जो मदद लेने जाती है वो मदद ले आती है, फिर आगे वाले पड़ोसी को देती जाती है, तो एक एक उधर से घटता जाता है, और जो लास्ट यानी इकाई की जीरो थी ना उसमें हमने दस ऐड कर दिया है, अब ये हो गया दस, अब दस में से चार जाएगा तो रह जाएगा छ, अब बच्चों नौ में से जीरो जाएगा नौ, नौ में से आठ जाएगा एक, अब इधर रह गया था छह, छह में से दो कट करेंगे तो चार, ठीक है बच्चों। इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऐसा सवाल मैंने आपको सेकंड यूनिट में भी करवाया था, आप वो भी देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा बच्चों। ये 19वां और 20वां जोड़ के सवाल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज हमने जोड़ घटाव सीखे है, तीन संख्याओं वाले भी और चार संख्याओं वाले भी, तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा जो होमवर्क दिया है, करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन सवालों को कर लिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। बच्चों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, ज्वाइन भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। बच्चों जो अगली वर्कशीट है वो देवनागरी की है, तो आपको देवनागरी गिनती मैंने सिखा रखी है, वीडियो बना रखा है, उस पर सवाल भी सिखा रखे हैं, और देवनागरी गिनती कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं वो भी सिखा रखी है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।